स्टूडेंट्स, आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैंने आपको रीजनिंग से एक चैप्टर लिया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत से बच्चे लोग ने हमसे रिक्वेस्ट किए थे और कमेंट में भी लिखे थे कि सर डायरेक्शन से रिलेटेड एक आप वीडियो पोस्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि उनकी इच्छा पूरा करूं और इसीलिए आज मैंने एक डायरेक्शन से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा। और उसी उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे डायरेक्शन कितने हैं और वो किधर है, किस तरह से हम उसको पेपर पर शो कर सकते हैं। एक चलिए हम जो रियल लाइफ में जो डायरेक्शन देखते हैं पेपर पर, जब उसे दिखाना होता है तो उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से दिखाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक फिगर दिया है, ऑलरेडी ये सर्किल है, जो हमारा पृथ्वी पर ही हम भी हैं। मान लेते हैं कि सर्किल पृथ्वी पर है और किसी भी सेंटर पर आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से जब कंपेरिजन करते हैं तो पेपर पर दिखाना होता है डायरेक्शन को, तो ये ऊपर साइड जो होते हैं वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है और उसके अपोजिट है वो साउथ का इंडिकेट करता है। यानी कि नक्शे में ऊपर उत्तर दिशा होते हैं और नीचे दक्षिण दिशा होता है। आपका जो दायां हाथ है वो ईस्ट को इंडिकेट करता है, पूर्व को इंडिकेट करता है, जबकि इसका अपोजिट ये पश्चिम दिशा का इंडिकेट करता है, जिसे हम वेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा चार दिशा है, लेकिन दिशाएं तो ऐसे 10 होते हैं, राइट। उसमें चार दिशाएं को हम उप दिशा के तौर पर कहते हैं। जैसे अगर नॉर्थ और ईस्ट है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, राइट। और इधर आपको ईस्ट और साउथ के बीच में है जिसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं, और दोनों के बीच में हो, ये साउथ और वेस्ट के बीच में हो तो साउथ वेस्ट कहा जाता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो उसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। मतलब हर यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो 0 डिग्री, यहाँ पर हम लोग ये ज्योमेट्री में पढ़े हैं तो यहाँ से 0 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री होता है सामने, 270 डिग्री होता है, फिर वापस रिटर्न होकर के कंप्लीट एंगल जब होता है तो 360 डिग्री होता है। बस एक एंगल को जब हम इसको चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं तो प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर होता है इक्विफाइलेन। मतलब यहाँ कहना है कि अगर आप थोड़ा सा भी अंदर की दिशा में आ जाते हैं, सपोर्टेड यहाँ आ जाते हैं या यहाँ कहीं भी आ जाते हैं, तो वह बीच का दिशा कहलाएगा। इसके लिए एक रेट 45 डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अंदर अगर चल गए दोनों के बीच के, तो वो आप दोनों के बीच का डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। अब रही बात इसको हम विशेष रूप से हम समझे कैसे, तो देखते हैं यहाँ पर आपको कि जब कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में जा रहा है, अगर इस तरह से घूमते हैं अगर आप, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको हम दिखा सकते हैं क्लॉकवाइज में है, मतलब इसका मतलब हुआ कि दाएं दिशा में जा रहे हैं। क्लॉकवाइज मीन्स हो गया दाएं। अगर आपको दाएं कहा जाए तो आप इस तरह से घूमेंगे, घड़ी के दिशा में घूमेंगे। जबकि अगर बाएं कहा जाता है तो घड़ी के विपरीत, यानी कि आप एंटी क्लॉक के दिशा में घूमेंगे। इस तरह से आप जाएंगे तो वह एंटी क्लॉक कहलाएगा, एंटी क्लॉक कहलाते हैं, जिसको हम बाएं बोलते हैं, राइट। अगर इसको हम और अच्छा से समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई इंसान इस ढंग से जा रहा है तो वो दाएं कहलाएगा, अगर इस तरह से जा रहा है तो ये बाएं कहलाएगा, राइट, बाएं दिशा में। इसको यदि हम स्क्वायर के में दिखाया जाए तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, सपोर्टेड यहाँ पर दिखाना हो तो कोई इंसान अगर इधर के आ रहा है, राइट, तो दाएं हो गया, फिर इधर आ गया तो भी वो दाएं कहलाता है, इधर भी कहलाया, फिर दाएं आ गया, इस तरह से दाएं दाएं दाएं, मतलब ये हो गया राइट साइड को इंडिकेट करता है। जबकि इसका विपरीत जब है, आप यहाँ इधर चले उसके बाद ऊपर की ओर जाते हैं, फिर इधर के जाते हैं, इधर जाते हैं, इस तरह से, तो वो लेफ्ट कहलाता है, बाएँ कहलाता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न के अनुसार से, अपने क्वेश्चन के अनुसार से आपको सबसे पहले डायग्राम को बनाना सीखेंगे। डायग्राम यदि आपका सही हो गया तो आप निश्चित है कि डायरेक्शन से संबंधित किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी ज्ञात करना होता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम ही दिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी।
दिशा और दूरी को प्राप्त करने के लिए हमें इस चार्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। सबसे पहले जब भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न बनाना हो डायरेक्शन, तो सीधा एक छोटा सा प्लस का निशान लेंगे, उसके हिसाब से अगर आपको कहा कि दाएं गए तो इधर चलेंगे, फिर दाएं कहा फिर इधर आएंगे, फिर दाएं कहा गया इधर जाएंगे, यदि इसके बाद बाएं कहा गया तो फिर इधर आएंगे, फिर बाएं कहा तो इधर आएंगे, फिर बाएं कहा तो फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह से आप अपना जो पेन है या उसको घड़ी के दिशा या एंटी क्लॉक की दिशा में आप जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बाएं दाएं में आप परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित आप प्रश्न को ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं इससे संबंधित आपको एक प्रश्न देख करके समझा रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन में अगर आपको पूछा जाएगा तो अधिक से अधिक कैसा पूछा जा सकता है। मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँगा कि आप डायरेक्शन से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप कितनी सुंदर ढंग से, कितनी आसान तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं और डायरेक्शन में अधिक से अधिक क्या पूछेगा, मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका एक प्रश्न को डील करने जा रहा हूँ। वो ऑलरेडी आपका प्रश्न जो है एक बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि राम पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है, फिर बाएँ मुड़कर 3 मीटर जाता है। तो बताएं कि पहला क्या क्या पूछा जा सकता है, बताएं कि यहाँ पर पहला पूछा जा सकता है कि कितना दूरी तय किया, एक आपका जवाब इसी के अनुसार देना होगा। दूसरा प्रश्न है कि इसमें पूछा जा सकता है कि कितनी दूरी पर है, यानी उसको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, विस्थापन पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी किस, और तीसरा है सी में किस दिशा में है, और चौथा है कि किस दिशा में जा रहा है। पांचवा प्रश्न अगर इससे पूछा जा सकता है वापस आने के लिए किस दिशा में चलना होगा, मतलब वहाँ बुद्धि टेस्ट है एक तरह से। और एक लास्ट जो है छठा है जिस रास्ता से गया है उसी दिशा से आना हो तो पहली बार या अंतिम बार किस दिशा में चलना होगा। इस तरह से आपको मैक्सिमम प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। ये ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न में सब पूछा जाएगा, इसमें से कोई आपसे एक संबंधित पूछा जा सकता है या एक से अधिक दो प्रश्न इस दो तरह के इसमें क्वेश्चन डाला जा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप एक जैसे मैंने बताया था कि एक छोटा सा प्लस का निशान लेंगे, मैंने ऐसा प्लस का निशान लिया छोटा सा, वो आपको बताएगा कि हम सेंटर पर हैं, सेंटर को इंडिकेट, क्योंकि सेंटर से ही आपको डायरेक्शन को क्लियर करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो देखा था यहाँ लिखता लिखा है कि राम पूरब दिशा में 5 मीटर जाता है, तो आप समझ रहे हैं ना आप लोग, तो यह अच्छी तरह समझ लीजिए कि देखिए ये प्रश्न का है कि राम पूरब दिशा में 4 मीटर जाता है ना समझ, तो उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, तो बताएं कि आगे क्या बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते जाएं और अपना कर्सर को पेन को अब उस तरह से घुमाते रहें जैसे राम पूरब दिशा में जाता है, तो नक्शा में हम जानते हैं कि पूरब इधर होता है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और 4 मीटर जाता है, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया, फिर वहाँ पर एक छोटा सा प्लस का निशान दे देंगे अगर समझने में दिक्कत हो तो, राइट छोटा सा दे देंगे। फिर कहता है कि बाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, तो बाएं किधर होता है ऊपर, अगर इसको ग्राफ में भी दिखाना चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए है गया राइट, ए है लेफ्ट, अगर ऐसे दिखाना है क्रॉस में दिखाना तो ए भी हो गया राइट, ए हो गया लेफ्ट, इसको इधर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर दिशा हो गया राइट, नीचे है लेफ्ट, फिर ऊपर की ओर इसको दिखाना होगा तो ये हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। तो आप यहाँ से पूरा दिशा मतलब लेफ्ट देखते ऊपर है, ऊपर की ओर ले जाएंगे और 3 मीटर जा करके उसको हम रोक देंगे, यानी तीन यहाँ पर वो राम पहुँच गया। प्रश्न के हिसाब से राम पूरब दिशा में 4 मीटर जाता है गया, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, तो बाएं मीन्स ऊपर, जब इस साइड में है पूरा दिशा में तो बाएं ऊपर है, देख रहे हैं कि राइट घड़ी की दिशा में ऐसे राइट होगा तो ऊपर जाकर लेफ्ट होगा बाएं, तो 3 मीटर जाता है। अब नक्शा आपका बन गया, प्रश्न के अनुसार से मैंने डायग्राम बना दिया, अब जैसा प्रश्न में पूछा जाता है उसे बारी बारी से इसको हम जवाब दे सकते हैं। हम देखते हैं पहला प्रश्न के लेके हिसाब से चलते हैं, ए में दिया हुआ है कि कितना दूरी तय किया,
कितना दूरी तय किया था, तो चलने में जितना दूरी से चला है उतना तो हमको देखना ही पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा कि 4 मीटर इधर गया है और 3 मीटर ऊपर गया है, मतलब टोटल दूरी 7 मीटर की दूरी तय किया है। अगर पूछेगा कि कुल कितना दूरी तय किया, तो 7 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब रही बात दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दिया है यहाँ पर कि बी में दिया कितनी दूरी पर है, तो दूरी जो होता है वो विस्थापन से नापा जाता है, आप जहाँ से चले हैं और जहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम पर, शुरुआत से अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं, वही रियल में दोनों के बीच का दूरी है। जाने के लिए मान लिया जाए यहाँ पर है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर राम पहुँचा हुआ है और चला है यहाँ से, तो दूरी जो होती है बेटा दोनों के बीच की जो शॉर्टेड दूरी होता है, ये है दोनों की दूरी, दोनों के बीच के दूरी सबसे न्यूनतम दूरी यही होता है। जाने के रास्ता तो अलग हो सकते हैं, ऐसे गया है वो ऐसा भी जा सकता है, या नीचे मुड़ के ऐसे ऐसे घूम करके भी जा सकता है, तो जाने के लिए तो रास्ता अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों के बीच की दूरी जो कहलाएगी तो न्यूनतम दूरी वही है कि यहाँ से एक टावर वाले इसके टावर पर से यहाँ पर से किसी लकड़ी को बांध दीजिए, यहाँ बांधे दोनों के बीच का जो रस्सी होगा उसको जो बीच की दूरी वही उसकी विस्थापन कहलाएगा और वही दूरी कहलाएगा। तो पूछा गया कि कितनी दूरी पर है, तो विस्थापन निकालेंगे, और आप तो जानते हैं कि त्रिकोणमिति पर है कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर उसी फार्मूला को आप इस्तेमाल करते हुए इसको प्रश्न को सोल्व करेंगे, एच जो होगा वही विस्थापन है, वही न्यूनतम दूरी है, तो आप देख रहे हैं पर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या देंगे, ये हो गया 16 प्लस 9 मतलब हो गया √25, तो √25 का स्क्वायर √5 होता है, मीटर में यूनिट है, मीटर में लिख देंगे, यानी कि दोनों के बीच की दूरी यानी कि चलने के स्थान से और जिस स्थान पर जाना है वहाँ के बीच की दूरी पूछा जाए तो वो 5 मीटर होगा, जबकि वहाँ पर जाने के लिए हमको 7 मीटर चलना पड़ा, क्योंकि रास्ता तो ऐसा ही है, बीच में मान लिया कि समुद्र है, पानी है, तालाब है, आप कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं है, लेकिन दूरी तो कहेगा तो वो सीधी दूरी नापा जाता है ना कि घूम करके नापे, हाँ आप जाने के लिए रास्ता तय किए वो दूरी कहलाएंगे कितना दूर चला, लेकिन दूरी जो होगी विस्थापन होगा वो 5 मीटर होगा। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्या आप लोग समझ रहे हैं ना, यस। तो राइट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको कि तीसरा जो प्रश्न है सी है, सी है, उसमें सी में क्या दिया गया है कि सी यहाँ पर है, देखिए किस दिशा में है, अब किस दिशा में है, तो देखिए कहाँ पर है राम जी, राम इस जगह पर है, नहीं तो बताइए इसको आपने ऊपर देते हैं नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, और है राम यहाँ पर पहुँचा हुआ है, मतलब ये दोनों की क्या है बीच में, देखिए तो दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो गया बेटा नॉर्थ ईस्ट, या इसको आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ऑप्शन में जैसा दिया हुआ रहेगा उसके साथ देखेंगे, इस नॉर्थ मीन्स उत्तर और पूरब, या पूरब और उत्तर दिशा में है, तो आपका सी का भी आंसर मिल गया। अब डी देखते हैं, डी में है कितनी दूरी पर है, इतनी सॉरी डी आप यहाँ है किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, जब तक उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा तब तक तो वो सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, तो निश्चित कि आगे आगे जाना हो तो ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर हम जानते हैं कि नक्शा में क्या है, नॉर्थ होता है, तो हम लिख सकते हैं उत्तर दिशा लिख सकते हैं या नॉर्थ कह सकते हैं, जैसा है माने इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, मतलब आपका प्रश्न डी जो ऑप्शन है उसका भी आंसर क्लियर हो गया। अब देखते हैं ई में, ई में क्या है, वापस आने के लिए किस दिशा में चलना होगा, देखिए वापस आने के लिए आपको किस दिशा में चलना होगा, तो अगर आप जैसे होनहार बच्चे होंगे, समझदार बच्चे होंगे, तो निश्चित है कि कोई शॉर्टकट रास्ता का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी तो खासकर आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, हमेशा ट्रिक और शॉर्टकट मेथड अपनाने की ज़रूरत होती है, और आप भी समझदार हैं, तो अगर आपके मंजिल पर पहुंचने का कोई शॉर्ट रास्ता है तो हम लंबा रास्ता जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वही है कि वापस आने के लिए किस दिशा में चलना होगा, तो आप सोचेंगे कि शॉर्ट रास्ता क्या हो सकता है, तो बेटा यहाँ पर अगर राम है और उसको वापस यहाँ आना है तो निश्चित है कि वो इसी दिशा में चल करके उसे आना चाहिए, अगर वहाँ से रास्ता है,
राइट, तो उसे इसी दिशा में चलना चाहिए, चाहे गया हो किसी दिशा से, पर यदि उसे कहा गया हो, कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है, अगर राम यहाँ पहुँचा हुआ है और उसे कहा गया कि वापस उस स्थान पर जाइए, तो देखेगा कि अगर यहाँ से कोई रास्ता है शॉर्टकट तो मैं इसी रास्ता को चुनूंगा, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो को समझदार व्यक्ति है वो चुनेगा वहाँ से कि यहाँ से नज़दीक का रास्ता क्या हो सकता है, और सबसे नज़दीक रास्ता तो यही होगी, तो कहता है किस दिशा में चलना होगा, तो आप यहाँ प्लस से देखेंगे, तो देखिए प्लस इस दिशा कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट, मतलब जिस दिशा में गया था उसके विपरीत दिशा में ही आना होगा, यानी कि उसे वापस आने के लिए साउथ वेस्ट दिशा में या फिर वेस्ट साउथ दिशा में चलना होगा, अगर आप जैसे समझदार है तो ऐसा ही करेंगे, राइट, यानी सीधा विपरीत जहाँ पर है वहाँ से। लास्ट है आपका एक कि वापस आने के लिए किस दिन चलना होगा, लास्ट है कि जिस रास्ता से गया है उसी दिशा से आना हो तो पहली या अंतिम बार किस दिशा में चलना होगा। अगर आपको सामने से एक डायरेक्शन मिला है कि आप गए हैं आप उसी रास्ता से वापस लौट जाइए, राइट, जैसे गए हैं उसी तरह से वापस आइए, तो आप जैसे समझदार व्यक्ति को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर हैं रास्ता तो यही है, तो उसको आने के लिए किधर आना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे की ओर आना होगा, अगर उसी रास्ता हो तो पूछा गया है कि उसको पहली बार किस दिशा में चलना होगा, तो पहली बार तो पहले नीचे आना होगा, मतलब नीचे कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि वो दक्षिण दिशा में आना होगा, यानी साउथ में होना होगा, राइट। लेकिन यदि इसी में पूछा जाए, पूछा गया हो कि अंतिम बार उसे किस दिशा में चलना होगा, तो अंतिम बार यहाँ चल करके इस दिशा में चलना, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पर आ चुका है तो इधर चलना होगा, तो इधर रहने की, तो इधर तो अपना नक्शा में यहाँ देख लीजिए कि इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, मतलब कि इसको आंसर पश्चिम भी हो सकता है, जैसा कि प्रश्न के हिसाब पर डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस प्रश्न का जवाब आप अच्छा से दे सकते हैं। मैं एक प्रश्न एग्जाम्पल और दे के बताता हूँ, उसके बाद आपको जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, नव हेयर नव भाई, तो मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ कि उस दूसरे प्रश्न को इसी तरह से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बालक अपने पिता या पिताजी के खोज में 90 मीटर पूर्व दिशा में गया, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर गया और नानी के घर पहुंच गया, वहां नहीं मिले तो फिर वहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर चला, तो बताएं कि यहाँ पर पूछा गया है कि 100 मीटर उत्तर दिशा में जब चला गया तो बताएं कि बालक के चलने के स्थान से यानी नानी घर से वो जब चला गया उत्तर दिशा में 100 मीटर जो पान की दुकान पर पहुंच गया, क्या है क्वेश्चन में कहा गया कि देखिए वहाँ से चलने पर दुकान पर पहुंचा, एक उत्तर दिशा में जाने पर एक पान की दुकान पर देखा कि वो पान की दुकान पर वो पान खा रहे हैं, तो बताइए कि बालक के चलने के प्रारंभिक स्थान से चलने के स्थान से वो पान की दुकान की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न के हिसाब से हम इस प्रश्न का डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे और फिर उसका हम जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था कि इस तरह का प्रश्न को अगर बनाना हो तो सबसे पहले एक छोटा सा प्लस का निशान लेंगे, क्या करेंगे प्लस का निशान लेंगे और फिर क्या करेंगे क्वेश्चन के अनुसार से हम डायग्राम बनाए। तो देखिए एक बालक जो है पूरा दिशा में कितना गया जी 90 मीटर गया, कितना गया 90 मीटर गया, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर तो दाएं नीचे होता है या ऊपर, दाएं नीचे होते हैं ना, दाएं जाके 20 मीटर गया, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 30 मीटर गया और यहाँ देखेंगे कि वो अपने कहाँ पहुँच गया नानी के घर, यानी नानी घर पहुँच गया, ये है उनका नानी घर बालक का, यहाँ पर पहुँच गया लेकिन उनके पिताजी यहाँ भी नहीं मिले, तो वह क्या किया यहाँ से सीधा उत्तर दिशा में, कहाँ गए जी
सीधा उत्तर दिशा में कितना चला, 100 मीटर की दूरी पर चला, तो देखा कि एक पान की दुकान है, पान की दुकान पर वो पान खा रहे हैं। पान की दुकान पर क्या कर रहे हैं, वो देखा कि पान के दुकान पर वो पान खा रहे हैं, तो बताएं कि चलने के स्थान से पान की दुकान की दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा, बालक तो चला कहा चला था, यहाँ से, कि बालक का घर यहाँ पर है, यह स्थान यहाँ पर है, यहाँ से अपने पिताजी के खोज में सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से पूरब दिशा में 90 मीटर गया, ये 90 मीटर है, 90 मीटर गया, फिर वहाँ से दाएं मुड़ करके 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ के 30 मीटर गया, फिर अपने नानी घर पहुँच गया। उसको उम्मीद था कि नानी घर में तो पापा मिलेंगे, परंतु वहाँ नहीं मिलने के कारण फिर वो उत्तर दिशा में 100 मीटर, और उत्तर तुम जानते हैं कि नक्श ऊपर होता है, गया, और तो देखा बाद में कि एक पान के दुकान पर वे पान खा रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप जानते हैं कि इस तरह से जब 90 डिग्री पर कोई टर्न लेता है तो चाहे तो फिगर स्क्वायर होंगे या फिर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में 90 डिग्री ही बनता है जब तक कोई विशेष डायरेक्शन ना दिया हो। तो देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर है, अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट रेक्टेंगल या स्क्वायर का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये 20 मीटर है, तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी भी, इस लाइन की जो दूरी है वो भी 20 मीटर होगा। और जब यहाँ से यहाँ पूरी दूरी है 100 मीटर, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ की जो दूरी होगा वो 80 मीटर होगा जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया, तो बाकी ऊपर का मीटर कितना होगा, ये 80 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से आप सिर्फ यहाँ की दूरी देखें तो ये 80 मीटर है, लेकिन बालक चला है यहाँ से और पहुँच गया है अपने पापा को खोजते खोजते इस दुकान पर। तो हमने कहा था, पहले ही कहा था कि अगर पूछा जाए कि बालक चलने के स्थान से उस पॉइंट का जहाँ पहुँचने के बीच की दूरी है, तो हमेशा विस्थापन का नियम से ही इसको हल करेंगे कि न्यूनतम दूरी तो वही, चलने के लिए तो पूछा जाए कितना दूरी चला, तो चलने के लिए तो पूरा हम जोड़ देंगे, 90, 20, 30 सब जोड़ करके जो आएगा उतना दूरी चला, लेकिन कितनी दूरी पर है प्रश्न है, तो हम सीधा ये डिस्प्लेसमेंट का मेथड से अपनाएंगे, मतलब बालक यहाँ पर है तो ये तिरछे रास्ता जो बनाएंगे वही है, क्योंकि 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस आप जानवे करते हैं कि होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली वे में निकाल सकते हैं कि पान से घर की दुकान से घर किस है, पान की दुकान के बीच की दूरी है, जो हाइपोटेनस से निकालेंगे तो आप निकालेंगे कैसा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको पी बेस से बेस होता है, पी से परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, ये जो आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बेस हो गया, आप ये भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ की दूरी जो 90 मीटर है और यहाँ से दूरी 30 मीटर है, तो यहाँ से दूरी भी क्या हो गया, 60 मीटर हो गया, तो बेस हो गया आपका 60 यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है लंब है जो 80 का स्क्वायर हो गया। आप इसको हल करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 00 उठेंगे, यहाँ भी होगा 80 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 6400 होगा, आप दोनों को ओवरऑल जोड़ेंगे तो आपको 10000 होंगे। तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 40 के बदले में जो 0 होंगे, यानी कि घर बालक के चलने के स्थान से उपान की दुकान के बीच दूरी है वो 100 मीटर होगा। तो इस प्रकार से अब बड़ी से बड़ी क्वेश्चन, बाकी इतना बड़ा हार भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा पूछता है राम घर से निकला, बाएं गया दाएं गया, बताओ किधर जा रहा है या कितनी दूरी पर है, तो इस तरह के नॉर्मल प्रश्न रहेंगे जो आप आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, या अपने कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट में यदि भेजेंगे मैं आपके प्रश्न का जवाब, आप अपने कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख करके दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपके पर्सनल प्रश्न का जवाब मैं आपको तुरंत मैं दे दूंगा। तो राइट, तो आपको मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, 7482876135, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं,
मैं आपका किसी भी प्रश्न का जवाब मैं इस पर देने की कोशिश करूंगा। आप मैथ से मैथ का प्रश्न हो, रीजनिंग का प्रश्न हो, जीके का प्रश्न हो, इंग्लिश का प्रश्न हो, आपको किसी भी क्षेत्र से प्रश्न आप में देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें भेजने की कोशिश करें। मैं आपका प्रश्न का सलूशन जल्द से जल्द और सटीक भेजने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे बच्चों कहता हूँ, आपसे फिर कह रहा हूँ रेट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको नए नए वीडियो आपके अनुसार, आपकी मांग के अनुसार, आपकी कमेंट के अनुसार से मैं कंटिन्यू भेजता रहूँगा। और जैसा आप चाहेंगे उस तरह का प्रश्न को मैं उसी तरह का मैं आपको कैलकुलेशन करके आपका दूंगा। तो मैं यही कहता हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो घंटी है उसको क्लिक कीजिए, ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, जय हिंद।